Hello listeners, so we are back again with another video. Myself, your pediatrician, Dr. Prabjeet, working as a senior consultant and pediatrician at Healing Hospital Sector 34, Chandigarh. मेरा बच्चा बहुत वॉमिट कर रहा है. पिछले कुछ दिन से ये क्वेरी हमारे पास बहुत आ रही है. तो लेट्स सी ये वॉमिटिंग क्यों है. पोस्ट ओमिक्रॉन इन्फेक्शन और पोस्ट कोविड ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है. आज हमारे व्हाट्सएप या क्वेरीज ज़्यादातर या हमारे जो फ़ोन कॉल्स हैं वो इसी प्रॉब्लम के साथ मदर्स कॉल कर रही हैं, पैनिक कॉल कि बच्चा वॉमिट बहुत कर रहा है. सो आई हैव अ इम्पॉर्टेंट मैसेज टू ऑल कि अगर आपके घर में किसी को कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है और दूध नहीं पच रहा, जो छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न है, दूध नहीं डाइजेस्ट कर रहा, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करें. ये ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है अगर उसको ओमिक्रॉन पहले हुआ तो ये पोस्ट ओमिक्रॉन सिम्टम्स भी हो सकते हैं. सो द टेक्निकल रीज़न फॉर दिस इज गैस्ट्राइटिस. जो भी कुछ इन्फेक्शन हुआ उसके बाद पेट में एसिड का स्तर बहुत बढ़ जाता है, उस वजह से बच्चे बहुत वॉमिट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, जो पेट की लाइनिंग है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है. और जैसे ही पेट की है वैसे ही आंत्रियों की भी इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, इसलिए बच्चे वॉमिटिंग के साथ साथ लूज स्टूल भी पास करते हैं. फॉर द बेबीज हु आर न्यू बॉर्न, जो मदर फीड पे हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि अगर वॉमिटिंग नहीं है और सिर्फ लूज स्टूल्स हैं तो आप अपना फीड कराते रहें और ध्यान रखें कि बच्चा यूरिन ठीक से पास करता रहे. अगर कोई भी बच्चा यूरिन 3 से 4 घंटे में एक बार कर रहा है तो दैट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, माने बच्चे में पानी की कमी नहीं है और हम घर पे ही उसका मैनेज कर सकते हैं. बट अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ने पिछले 3 से 4 घंटे में यूरिन पास नहीं किया, इतना वॉमिटिंग कर रहा है कि हम उसको फीड दे ही नहीं पा रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए. अगर बच्चा खाना खाने वाली एज ग्रुप में है, माने कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स ऐड हो चुकी है, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स की बात करें, अगर वहाँ पर भी वॉमिटिंग नहीं है और आप उसको खिला पा रहे हैं, सिर्फ लूज स्टूल्स हैं, तो आप अपना यही चीज़ ध्यान रखेंगे कि डिहाइड्रेशन ना हो. डिहाइड्रेशन को मेजर करने का घर पर तरीका है कि यूरिन. अगर बच्चा 4 से 6 घंटे में यूरिन पास कर रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ पानी का इनटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए. बट अगर आपका बच्चा वॉमिट कर रहा है तो गो एंड सी योर पीडियाट्रिशियन, दैट कुड बी एन इमरजेंसी. और अगर उसने यूरिन पास नहीं किया है, इवन देन गो एंड सी योर पीडियाट्रिशियन, बिकॉज दैट कुड बी डिहाइड्रेशन. आप खाना खिलाने और पानी का इनटेक बढ़ाने के साथ साथ फ्रूट्स का इनटेक बढ़ाएं. दिस कुड बी अ जनरल वर्ड फॉर ऑल दोज हु आर ओमिक्रॉन और एनी अदर वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्टेड, कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन में अगर हम पानी का इनटेक और गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इनटेक ज़्यादा रखते हैं तो दैट हेल्प्स, बिकॉज दीज आर ऑल द एंटी ऑक्सीडेंट्स विच हेल्प अस टू कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो वायरसेस के या किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें बॉडी में क्रिएट होता है. आई होप आई कुड आंसर अ फ्यू ऑफ योर पैनिक कॉल्स. बट इन केस आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, माई नंबर इज़ देयर, यू कैन ऑलवेज कॉल मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज. थैंक यू वेरी मच.